ये चने की सत्तू है, और जैसे लिट्टी के लिए तैयार करते हैं हम इसको, उसी तरह से तैयार करना है। हरी मिर्च, नींबू, नमक, काली मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट, ये सारा कुछ, या तो पेस्ट आपके पास है अवेलेबल तो वो ले लीजिए, या फिर आप घर पे बना लीजिए। इसमें मस्टर्ड ऑयल भी डला हुआ है। ये है आलू, जो आप लोगों ने सुना होगा लिट्टी के साथ आलू के चोखे भी बनते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है। इसमें प्याज, हरी मिर्च, मस्टर्ड ऑयल, नमक, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब हम ये इन दोनों को मिक्स करेंगे। बिल्कुल इस बार अलग तरह की डिश है, और ये बनाने का हमारा मकसद ये है कि छोटे बच्चे सत्तू को ज़्यादा पसंद नहीं करते और नहीं खाते, इसलिए हमने इसमें आलू मिक्स किया है। ये बिल्कुल जैसे रोटी के आटे गूंथते हैं, उस तरह से हमने गूंथ के तैयार किया हुआ है। अब हम इसको छोटे छोटे गोल गोल बना लेंगे इस तरह से, थोड़ा छोटा, जो साइज हमारा होता है उससे थोड़ा छोटा, बिल्कुल लिट्टी जैसे भरते हैं वैसे ही भरना है। ये छोटे छोटे, ये बच्चे बहुत पसंद करेंगे आपके, क्योंकि नॉर्मल लिट्टी अगर हम बच्चों को देते हैं तो या तो उसमें से सत्तू गिरा देते हैं, खाते नहीं, तो ये बड़े और बच्चे दोनों पसंद करेंगे, क्योंकि इसके साथ हमने थोड़ा आलू मिक्स किया हुआ है, और ये बिल्कुल फिट हो जाएगा इसमें। अब आपको जितने बनाने हैं आप इस तरह से इसको तैयार करें, उसके बाद मैं आगे बताती हूँ। अब हम इसको ऐसे बेल के तैयार कर लेंगे छोटे छोटे, और ऑयल गरम करेंगे, और इसको हम तलेंगे ब्राउन होने तक, थोड़ा कम गरम हुआ है, थोड़ा और गरम होने देंगे इसको। मेरी बच्ची को बहुत पसंद है इसलिए मैंने डाल दिया इसमें, जल्दी से देख रही है यही खड़ी होकर। तेल गर्म हो गया है तो ये हम दूसरा भी डाल देंगे, ऐसे हम एक साथ तीन चार डाल सकते हैं। देखिए कितना सुंदर सा फूल के तैयार हो गया है, और लिट्टी थोड़ा कड़ा हो जाता है तो बच्चों को खाने में दिक्कत भी होती है, तो ये बच्चे बहुत आसानी से खा सकते हैं इसको, किसी भी सॉस के साथ, सब्जी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ आप खा सकते हैं। कितने सुंदर सुंदर से फूल रहे हैं ये। ये है सत्तू विथ आलू मसाला पूरी, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा, आप ट्राई करके देखें। जिसे पूरा पूरा सत्तू खाना पसंद नहीं है वो इसे इस तरह से तैयार कर सकते हैं। ये निकलने के लिए तैयार है, ये देखिए कैसे ब्राउन सा हो गया है, बिल्कुल कचौड़ी की तरह लग रहा है ये, पूरी कचौड़ी कुछ भी बोलिए इसको, देखिए कितना सुंदर सा है ये। आलू टमाटर की प्लेन सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। अब मजा लीजिए सत्तू विथ आलू मसाला पूरी।